दोस्तों, अगर आप लोडर सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि लोडर चलाना ही बड़ी बात नहीं होता है, उसके मेंटेनेंस के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपको लोडर चलाना आ गया लेकिन आपको मेंटेनेंस के बारे में तो पता ही नहीं कि इसका ऑयल कैसे चेंज करते हैं और कब चेंज करते हैं और कहाँ कहाँ से इसमें ऑयल डाला जाता है, वो सब जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको जो है ऐसा ही जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके गियर ऑयल के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको आगे पूरी जानकारी बताता हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लोडर ज्ञान में। दोस्तों, चलिए शुरुआत जो है इसके पीछे साइड से करते हैं, ठीक है। तो ये पीछे वाला टायर है जो व्हील है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसका जो यहाँ पे ऑयल डाला जाता है, गियर ऑयल, ठीक है, यहाँ पे वो 5 लीटर डाला जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है ऑयल रहता है, इसके अंदर पूरा, ठीक है। यहाँ ये है, बोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे खोल के जो है आप ऑयल डाल सकते हैं। और इसमें 5 लीटर ऑयल डाला जाता है, ठीक है, 5 लीटर ऑयल डाला जाता है। कौन से नंबर का डाला जाता है वो आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लीटर डाला जाता है यहाँ से खोल के, ठीक है। ड्राइव भी करने के टाइम पे यहीं से खोल के किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आपको जो है पीछे इसके क्राउन के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये है इसका क्राउन, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से जो है इसमें ऑयल डाला जाता है, ठीक है, इसको खोल के। और ये नीचे आप बोल्ट देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ से जो है इसका ऑयल ड्राई किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। इसमें टोटल 10 लीटर ऑयल डाला जाता है, ठीक है, टोटल 10 लीटर ऑयल डाला जाता है, ठीक है। तो इसमें इसमें 5 हो गया, ठीक है, इसके व्हील में 5 हो गया और क्राउन में जो है 10 लीटर हो गया, ठीक है। और ये आपको ये साइड दिखा देता हूँ, ये दूसरा व्हील है पीछे का, ठीक है, यहाँ पर भी जो है 5 लीटर ऑयल डाला जाता है। और इसको खोल के यहाँ से ऑयल डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, ऊपर करके डालना है और नीचे रहेगा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 5 लीटर ऑयल डाला जाता है, ठीक है। चलिए आपको अब जो है आगे वाला व्हील के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि कौन से नंबर का ऑयल यहाँ पर डाला जाता है, गियर ऑयल जो डाला जाता है, ठीक है। दोस्तों, अब आपको इसके फ्रंट व्हील के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर कितना ऑयल डाला जाता है और इसके क्राउन में कितना ऑयल डाला जाता है, ठीक है, फटाफट अंदाज में। उसके बाद आपको बताऊंगा कि कितने नंबर का ऑयल इसमें डाला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, पीछे वाला व्हील में 5 डाला जाता है तो यहाँ पे भी 5 ही डाला जाएगा, ठीक है। ये रहा बोल्ट, खोल के यहाँ पे डाल सकते हैं, 5 लीटर यहाँ पे डाला जाएगा, ठीक। और सेम वही ऑयल यहाँ पर भी 5 लीटर डाला जाएगा, उतना ही कैपेसिटी, ठीक है, उतना ही क्वान्टिटी यहाँ पर भी 5 लीटर डाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रहा फ्रंट क्राउन, देखिए यहाँ पे जो 10 लीटर ऑयल डाला जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपको पीछे बता चुका हूँ, पीछे वाला क्राउन में 10 डाला जाएगा तो यहाँ पे भी 10 ही डाला जाएगा। और ये रहा बोल्ट, इसको खोल के यहाँ से ऑयल डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये रहा बोल्ट ऑयल ड्राई करने वाला, ठीक है, तो इसको खोल के आप ऑयल ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको बताता हूँ कि इसमें कौन से नंबर का ऑयल डाला जाता है, ठीक है। ये सभी जगह पे जहाँ जहाँ आपको बताया हूँ कितने नंबर का ऑयल डाला जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि इसमें जो है 90 नंबर का गियर ऑयल डाला जाता है, ठीक है, 90 नंबर का गियर ऑयल इन सभी जगह डाला जाता है, पीछे और आगे दोनों तरफ, ठीक है। और चलिए अब आपको बता देता हूँ कि ये कितने घंटों के बाद चेंज किया जाता है, कितना घंटा गाड़ी चलेगा उसके बाद आपको चेंज करना है, वो जानकारी अब आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि लोडर को 1000 घंटा चलने के बाद में ये ऑयल चेंज किया जाता है, ठीक है। ये आपका जो लोडर है 1000 घंटा जब चलेगा तब आपको ये ऑयल चेंज करना रहता है, ठीक है। तो आगे साइड 20 लीटर और पीछे साइड 20 लीटर, टोटल 40 लीटर जो है ऑयल इसमें डाला जाता है, ठीक है। 5-5 लीटर इसके व्हील में डाला जाता है, ठीक है, और 10-10 लीटर इसके क्राउन में, ठीक है। टोटल 40 लीटर ऑयल इसमें डाला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपके दोस्त लोग जो हैं लोडर सीखना चाह रहे हैं जो भी, उनके पास ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में बेल आइकन आएगा, वो जो घंटी के निशान आता है उसको प्रेस कर लीजिए ऑल पे करके, ताकि आने वाले समय में कभी भी जब भी लोडर के बारे में कोई भी वीडियो बनाऊँ उसकी जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।